उदयपुर के गोकुंदा इलाके में लेपड़ का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। इस आदमखोर लेपड़ के हमलों से अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है और हर बीतते दिन के साथ ये हमले बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार शाम को एक और घटना सामने आई जहां माँ बेटे पर लेपड़ ने हमला कर दिया। माँ बेटे दोनों ने भागकर अपनी जान बचा ली। इस हमले के बाद ग्रामीणों का गुस्सा भड़क उठा। वन विभाग के कर्मचारी मौके पर देरी से पहुंचे, जिससे नाराज ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया। गुस्साए लोगों ने कर्मचारियों पर पत्थर बरसाए और उन्हें पास के सरकारी स्कूल में छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। कुछ कर्मचारी अपनी गाड़ी से वहां से निकलने में सफल रहे। वन विभाग की टीम पर इस गुस्से का कारण लेपड़ का लगातार हमला करना और अब तक उसका पकड़ा न जाना है। ये लेपड़ आदमखोर बन चुका है और प्रशासन ने इसे देखते ही गोली मारने के आदेश भी दे दिए है, लेकिन अब तक वन विभाग इसे पकड़ने में नाकाम रहा है। पिंजरे लगाए गए हैं और इसे ट्रैकुलाइज करने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई सफलता नहीं मिली है। ग्रामीणों में डर और गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। वे अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। इस आदमखोर लेपड़ के हमलों में अब तक 9 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। हाल ही में 5 साल की बच्ची और 65 वर्षीय पुजारी को भी इस लेपड़ ने अपना शिकार बनाया। हर हमले में एक ही पैटर्न देखा जा रहा है। लेपड़ सीधे गले से पकड़ता है और शिकार को मार देता है। इन घटनाओं ने पूरे इलाके में डर और असुरक्षा का माहौल बना दिया है। प्रशासन द्वारा दिए गए आदेश के बावजूद वन विभाग इसे पकड़ने में असफल रहा है। ग्रामीण अब लाठी डंडे लेकर बाहर निकल रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजने से भी डर रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि लोग अपने मवेशियों को चरा पाने तक में असमर्थ है। और वही दूसरी ओर प्रशासन ने कोर्ट में ये आश्वासन दिया है कि लेपड़ को मारने से पहले सभी प्रयास किए जाएंगे, लेकिन ग्रामीणों के लिए हर बीतता दिन भय का कारण बना हुआ है। वे लगातार लेपड़ के हमलों का सामना कर रहे हैं और वन विभाग की नाकामी के कारण उनकी सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कब तक ये आदमखोर लेपड़ पकड़ा जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बन चुका है।